अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, आइए 10 ईयर पेपर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2019 फर्स्ट पार्ट है। आपको सेट दे रखे हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, आपने साबित करना है। तो बेटा सॉल्व करने के लिए मेन हेडिंग डालिएगा सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पेज के सेंटर में, और लेफ्ट हैंड साइड पर गौर कीजिए कि आपको करना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिख दीजिएगा, डेल्टा का साइन बनाइएगा, फिर बी की वैल्यू लिखिएगा। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है 2 है निकाल दीजिए, 4 है निकाल दीजिए, 6 है निकाल दीजिए, 8 है निकाल दीजिए। कॉमन एलिमेंट्स दोनों के निकल जाएंगे। अब दोनों में जो बचेगा वो एलिमेंट्स बचेंगे जो कॉमन नहीं है। अब बदकिस्मती से एक सेकंड सेट बी में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बचा, तो आपने 1, 3, 5, 7 ही लिख देना है। ये आपका इक्वेशन 1 है। ये आपने डायरेक्ट मेथड से लेफ्ट साइड सॉल्व की है। अब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए सेंट्रलाइज करके मेन हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ मार्कर से राइट हैंड साइड, और गौर कीजिए कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है अगर आपने, तो इसके 2 स्टेप्स नहीं, इसके 3 स्टेप्स। स्टेप 1, यूनियन ऑफ ए एंड बी, यानी ए यूनियन बी, ए की वैल्यू लिख दीजिएगा, यूनियन सॉरी यहां देखिएगा 10 भी था। तो आपके पास सेकंड सेट में जो कॉमन वैल्यू नहीं थी वो 10 था, उसे शामिल करना था, मैं गलती से नहीं कर सका। दोनों के यूनियन का मतलब है कि इनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर लीजिए। इसके बाद आपका स्टेप 2 आता है। याद रखिएगा ये आपकी सब हेडिंग है, ये मेन हेडिंग थी, मैंने कैपिटल में की है, और ये है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू लिखेगा, इंटरसेक्शन का साइन डालिएगा। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वैल्यूज लिखनी है, और इनकी कॉमन वैल्यूज हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8। इसके बाद आपका स्टेप 3 आता है, डिफरेंस ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। आप गौर कीजिएगा कि आपने अब दोनों का क्या करना है, यहां पहले यूनियन किया, फिर इंटरसेक्शन किया, फिर डिफरेंस किया। तो इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, याद रखिएगा आपका स्टाइल बड़ा है मैं। तो आपने यहां पर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ए यूनियन बी की जगह आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 माइनस
2, 4, 6, 8। तो बेटा आपके पहले सेट में जो जो एलिमेंट्स निकलने हैं वो सेकंड सेट की मदद के एलिमेंट्स की मदद से निकल, यहां से 2 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो आपके पास यहां बचा 1, 3, 5, 7, 10। ये पूरा राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये आप बॉक्स कर लीजिए जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके बॉक्स बनाया था। अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट आया इक्वेशन वन, उस इक्वेशन वन की राइट हैंड साइड और सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड के का जो रिजल्ट आया उसकी राइट हैंड साइड, दोनों में कोई फर्क है? दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों सेट सेम है। याद रखिएगा ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि अगर दो इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल हो तो उनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल मानी जाती। अब जनाब आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, तो साबित हो गया कि राइट साइड्स दोनों इक्वेशंस की बराबर हैं, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी बराबर हो गई। प्रूफ। अच्छा देखिए, ये आपकी बड़ी बदकिस्मती होगी कि आप देखकर भी सही नोट ना कर पाए। इसी में एडवाइस करता हूं कि अगर आपके पास आपके अब्बू अम्मी या कोई बड़ा बहन भाई बैठा है तो वो आपको चेक करे, ये बहुत जरूरी है कि आप देखकर सही लिख पाते हैं कि नहीं। नंबर 2, इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नंबर 3, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, वहां से नोट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए लैपटॉप या मॉनिटर होना चाहिए। देखो बेटा, ये आपकी आसानियों के लिए है, वरना हमारे लिए बिल्कुल नहीं है कि कंपल्सरी आप ये हो। अब यहाँ पर कुछ नासमझ पेरेंट्स आर्गुमेंट देते हैं कि हम कहां से लाएंगे, तो बेटा याद रखिएगा कि जब भी कोई चेंज होता है ना, कोई तब्दीली होती है, अगर वो पॉजिटिव चेंज है तो थोड़ा पेनफुल होता है और बाद में वो हमारी सोसाइटी का परमानेंट पार्ट बन जाता है। चेंज हमेशा पेनफुल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि तमाम बच्चे सुबह 4:30 बजे उठें, बड़ा फायदा होगा। दिन में 2 बार एक्सरसाइज करें, बड़ा फायदा होगा। जोर की नमाज पढ़ते ही कैलूला करें लंच के बाद, 40 मिनट की नींद लें, बड़ा फायदा होगा। अपनी आदतों को प्रोमिनेंट करें, बड़ा फायदा होगा। तो आप अपने कंफर्ट जोन को आपको तोड़ना पड़ेगा, जिस तरह आपकी रूटीन है उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने राइटिंग पैटर्न को बदलना होगा, अपने लिखने के स्टाइल को चेंज करना होगा, तो ये जो चेंज करना है ना, ये पेनफुल है लेकिन ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव। और याद रखिएगा, हर कंस्ट्रक्टिव चीज जब हो रही हो पेनफुल होती है, लेकिन उसके जो रिवार्ड्स हैं वो बड़े फ्रूटफुल होते हैं। तो कोई अगर आपके साथ बैठा हो तो वो आपकी कॉपी को ऑब्जर्व करें कि आपका स्टाइल वही है, मैं इक्वल के नीचे इक्वल का बड़ा ख्याल करता हूं, आपको भी करना है। एक लाइन में 2 इक्वल के साइन अगर हो गए तो दिस इज इलीगल। एक लाइन में 2 इक्वल के साइन नहीं होने चाहिए। वैल्यूज की प्रेजेंटेशन उसी तरह से होनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आप इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार सॉल्व कीजिए और अपने असल काम जो सही नोट किया हुआ है। कई बच्चे ये सही नोट नहीं करते, गलत नोट करते हैं, स्टेप मिसिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं करते, फिर वो जितनी भी प्रैक्टिस कर लें उनकी खराबियों में इजाफा होता है।
याद रखिएगा खराबियों में इजाफा होता है। ओके बेटा डन। तो मेरे प्यारे बच्चों अंदाजा हुआ मैथमेटिक्स पढ़ने का, हमारा थोड़ा सा स्टाइल बदल गया है। अब आएगा 2018 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आपको सेट यू दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है। प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपको साबित करना है। आप जानते हैं व्हाट इज दिस, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो बेटा अगर आपको इसे प्रूफ करना है तो यहां पर प्रूफ की हेडिंग डालिए, लेकिन हमारा स्टाइल वही होगा कि हम यहां मेन हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन ऑफ, पेज के दरमियान में मार्कर से सेंट्रलाइज करके, और उसके बाद सोचेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के कितने स्टेप्स हैं। सिखा चुका हूं दो स्टेप। स्टेप वन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखिए, इंटरसेक्शन का साइन डालिए, बी की वैल्यू लिखिए, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ही नोट करने, तो इनके कॉमन एलिमेंट्स है 1, 2। इसके बाद आपने स्टेप 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट इतना बड़ा है, हार्ड लिखते हुए थक गया। ए इंटरसेक्शन बी 1, 2 है, अब इसमें से -1, 2 निकल दीजिए, फिर भी हाथ थक जाएगा, बड़ी मजदूरी करवा रहे हो बच्चों इस बुढ़ापे में। देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। चुनांचे हम इसको नुमाया करने के लिए बॉक्स में बनाएंगे। इसके बाद देखिए दो स्टेप थे इसके, इसके बाद आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो मेन हेडिंग डालेगा सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड, मेन हेडिंग सेंट्रलाइज करके, और सोचिए इसके कितने स्टेप्स हैं। स्टेप 1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो आपने ए डैश इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल रखिएगा, ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल माइनस ए। बेटा आपने ये करना है कि यहां यूनिवर्सल सेट की वैल्यू पूरी 12 तक लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा, और ए की वैल्यू मैं लिख देता हूं, और इसके एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स निकाल देने हैं 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आया। स्टेप 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी डैश यूनिवर्सल माइनस बी। बेटा आपने बिल्कुल यहां पर यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखनी है, खुद दरमियान में माइनस डालना है और फिर बी की वैल्यू लिखनी है। मैं ये स्टेप मिस करूं थक जाता हूं। तो आपने यहां पर क्या करना है, देखो बेटा मैं बना रहा हूं, यहां यूनिवर्सल सेट के वैल्यूज लिखनी है, माइनस डालना है, फिर सेट बी की वैल्यूज लिखनी है। तो मैं यहां पर आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट 0, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपके यहां स्टेप 3 यूनियन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का। यहां देखिएगा
तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बहुत बड़ी है, ये देखिएगा। आपने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यहां लिखी, यूनियन का साइन बनाया और बी कॉम्प्लीमेंट की ये वैल्यू यहां लिखी। मैं ये इतनी बड़ी वैल्यूज है मैं नहीं लिख रहा, मैं थक जाऊंगा। आप इसके अंदर ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज लिख लेंगे बेटा इस जगह, और बी कॉम्प्लीमेंट की ये वैल्यूज इस जगह लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों के यूनियन का मतलब है एलिमेंट्स को कंबाइन कर देना। गौर कीजिएगा कि अगर आप इनके एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सॉरी मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास मैंने यहां पर आगे लाइन खींचनी है, मेरी राइट हैंड साइड का सोल्यूशन मुकम्मल होता है तो मेरे पास जगह नहीं है इसके आगे लाइन खींच के इक्वेशन टू करने की, तो मैं यहाँ इसे ऐसे इक्वेशन टू कह देता हूं। अब गौर कीजिएगा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को दो स्टेप्स में कंप्लीट सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड को तीन स्टेप्स में कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हमारा काम क्या है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी कैन राइट। देखिए इन दोनों इक्वेशंस की इक्वेशन वन है ये और वो इक्वेशन टू थी। इक्वेशन वन की राइट साइड और इक्वेशन टू की राइट साइड दोनों बराबर हो गई हैं, लिहाजा इन दोनों की लेफ्ट साइड्स को भी इक्वल कह देंगे। इस तरह आप यहां वेरीफाइड या प्रूव्ड या क्यूईडी जो दिल चाहे अपनी आसानी के लिए लिख लें। इस ओके बच्चों, देखो बेटा आप अगर देखकर अपना स्टाइल बना रहे हो, सही लिख रहे हो और अपना स्टाइल बना रहे हो, आपको पता है स्टेप्स कैसे चलने हैं, तो इसका मतलब है आप बावले नहीं हो, समझदार हो। और अगर आपको देखकर भी लिखना नहीं आता तो फिर ये लम्हे फिक्रिया है, फिर इसका मतलब है कि आपकी स्पून फीडिंग की गई है। बचपन में आपको निशान लगा के दिए जाते थे, ट्यूशन वाली बाईजी निशान लगाती थी, यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी कोई कॉन्फिडेंस वाला मामला नहीं था। अब आपको ये ज़हन में रखना है कि अगले साल आपने कॉलेज जाना है और कॉलेज में आपके तीन सीज का बड़ा अमल दखल है। पूरी जिंदगी आपके ये तीन सी हैं जो बड़े अहम हैं। सबसे टॉप पर है आपका कॉन्फिडेंस, याद रखिएगा जिंदगी गुजारने के लिए आप में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, ये फर्स्ट सी है। सेकंड सी है आपको करैक्टर वाला होना, करैक्टर वाइज आप स्ट्रोंग हो, कोई बुरी चीज आपके पास ना आ सके, ठीक है ना। आप कमिटमेंट के पक्के हो, आप रेस्पॉन्सिबल हो, आप सच्चे हो, आप बददयानत ना हो, आप ईमानदार हो, आप नकल ना करते हो, आप अपने अंदर वो खूबियां पैदा करते हैं जो वो क्वालिटीज पैदा करें जो आपको करैक्टर वाला बना दे, बाकिरदार हो, बुरी चीजें आपकी तरफ ना आए, ये सेकंड सी है। और थर्ड सी है आपका माइंड क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी हो, आपको क्रिटिकल थिंकिंग आती हो, सवाल करना आते हो, सोचना आता हो, आपको हल करना आता हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको पता हो। अगर आपने आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं लेकिन जिंदगी के प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स में अच्छे हैं लेकिन जिंदगी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपको नहीं आता, तो फिर क्वेश्चन मार्क है आपके मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स आपको कूल माइंडेड बनाता है, हार्ड वर्कर बनाता है, मैथमेटिक्स आपको रेस्पॉन्सिबल बनाता है, याद रखिएगा।
तो तीन सीज आपके अंदर क्या पैदा करने हैं मैंने, नंबर वन, शाबाश, नंबर वन, तीन सीज, नंबर वन कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस किस में होता है, याद रखिएगा, जो गिल्टी नहीं होता, झूठ बोलने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं होता, धोखा देने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं होता, टाइम वेस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं होता बेटा, पेरेंट्स को धोखा देने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं होता, झूठ बोलने वाले में कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल साफ शफाफ हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, खुद ही आएगा। अगर आपका नॉलेज है, कन्वे करने की एबिलिटी है, कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपको अपने नॉलेज पर यकीन है तो आप में कॉन्फिडेंस होगा। अगर आपने हार्डवर्क कर रखा है तो आप में कॉन्फिडेंस होगा। सेकंड आपका कॉन्फिडेंस के बाद आता है करैक्टर। करैक्टर, करैक्टर अगर आपका पॉजिटिव है, आप अच्छी चीजें अडॉप्ट करते हैं तो कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा। और याद रखिएगा, क्रिएटिविटी कुछ नया करने की, कुछ नया क्रिएट करने की एक्टिविटी, कुछ करने की एक्टिविटी, कुछ क्रिएट करने की एक्टिविटी अगर आपके अंदर है तो दिस इज क्रिएटिविटी। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा, आपने अपने अंदर अगर आपने अपने अंदर क्वालिटीज पैदा नहीं की तो याद रखिएगा कि जानवरों में क्वालिटीज नहीं होती, अल्लाह ने उनमें कुछ बिल्ट इन एबिलिटीज पैदा की होती। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे अंदर कितनी एबिलिटीज पैदा की हैं हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हम उन एबिलिटीज के लिए खुद अपने लिए पॉइजन तलाश करते हैं। झूठ पॉइजन है, आपका करैक्टर मार देता है, आपका कॉन्फिडेंस मार देता है झूठ। याद रखिएगा, हड़रामी, अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन जो बच्चे टाइम वेस्टर होते हैं, वक्त पर मेहनत नहीं करते, बाद में उनको मुसीबत पड़ती है, याद रखिएगा उनमें कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। जो बच्चे तवज्जो से नहीं सुनते, याद रखिएगा, जो बच्चे तवज्जो से नहीं सुनते उनमें समझने की एबिलिटी नहीं होती। जो सीखने के फौरन बाद उस पर अमल नहीं कर सकते, सो जाते हैं, टीवी देखते हैं और टाइम जाया करते हैं, टाइम वेस्टर हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस करवाता हूं 10 ईयर पेपर्स। अहम बात याद रखिएगा, अगर आप 10 साल के पेपर करने के काबिल हैं, आप 10 साल के पेपर कर सकते हैं, 11वां साल आपका बहुत आसान हो जाएगा। आपने इसी स्टाइल को फॉलो करना है जो मैंने करवाया है। मैंने आपसे कहा था कि तीन गोल्डन एस हैं, थ्री गोल्डन एस, याद रखिएगा, मैथमेटिक्स तीन गोल्डन एस पर डिपेंड करता है। नंबर वन स्टाइल, स्टाइल आपका लिबास की तरह है, और आप जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपका स्टाइल। उसके बाद आपका आते स्टेप्स, जाहिर है अगर आपके काम के, अगर आपके सॉल्यूशन के स्टेप्स जो हैं वो ज्यादा हैं, अगर आपके सॉल्यूशन के स्टेप्स आम स्टूडेंट के मुकाबले में ज्यादा है और वो रिपीट भी नहीं हो रहे और फजूल भी नहीं है, और स्टेप से स्टेप अगर आप निकालते हैं तो आपका स्टाइल, आपके स्टेप्स, और उसके बाद आता है आपकी स्पीड। जाहिर है आपने ज्यादा स्टेप्स में काम किया है, बेहतरीन साफ सुथरा काम किया है, मेरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया, मैं लिखते हुए टेढ़ा हो जाता हूँ, लेकिन याद रखिएगा इक्वल के नीचे इक्वल का ख्याल, स्टेप्स का सही ख्याल करना पड़ता है। तो ये तीन गोल्डन एस है आपके मैथमेटिक्स में, इन तीन गोल्डन एस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2017 का क्वेश्चन टू कहते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू, प्रूव दैट। मुझे फिक्र होती है कि आपके काम करने का जो तरीका है वो ठीक ना हुआ तो बोर्ड में आपके नंबर बड़े कटेंगे। तेजी से काम करते हैं प्रूफ के लिए। देखो बेटा, आपका स्टाइल सब कुछ होता है, पहले हम सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, हेडिंग डालेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही काम करना है और वो है यूनियन ऑफ ए एंड बी फाइंड करना, एक ही स्टेप। तो ए यूनियन बी,
में ए की वैल्यूज लिखिएगा यूनियन बी की वैल्यू लिखिएगा और एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें ये तमाम एलिमेंट्स बगैर डबल लिखे कंबाइन हो जाए। ये आपकी इक्वेशन वन हो गई। इसके बाद आपको सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड करना है और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इसके दो स्टेप्स नहीं तीन स्टेप्स हैं। स्टेप वन इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी में ए की वैल्यू इंटरसेक्शन का साइन और बी की वैल्यू। आप इंटरसेक्शन का मतलब जानते हैं कि आपको कॉमन एलिमेंट्स लेने हुआ करते हैं। स्टेप टू मैट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए मैट्रिक डिफरेंस बी अगर आपको फाइंड करना है, ए की वैल्यू लिखिए डेल्टा बनाइए मैट्रिक डिफरेंस की नोटेशन है और इन दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो निकाल दीजिए। अब दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स लिखिए जो कॉमन नहीं है। स्टेप थ्री, इसके बाद आप जानते हैं इन दोनों को फाइंड कर चुके हैं आप, अब इनका यूनियन ले लीजिए। सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंटेशन चेक करनी है बेटा, ये आपकी हेडिंग्स हैं तो आपने यहां पर इक्वल के नीचे इक्वल का साइन पहले बनाना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए मैट्रिक डिफरेंस बी आपने लिखा, ए यूनियन बी की वैल्यू आपने लिखी यूनियन ए मैट्रिक डिफरेंस की वैल्यू लिखी। अब इनका यूनियन कर लीजिए, यानी एलिमेंट्स को एक सेट में कंबाइन कीजिए सीक्वेंस के साथ। आपकी राइट हैंड साइड पूरी सॉल्व हो गई। नुमाया करने के लिए इसे बॉक्स में कर दीजिए। अब स्टाइल फॉर्मेशन आपको सिखा रहा हूं। अब बेटा आपको मेन हेडिंग का स्टाइल समझना है, सब हेडिंग समझनी है। अपने मैथमेटिक्स का एक प्रिंसिपल है कि इक्वल के नीचे इक्वल का साइन हो, नंबर एक। जैसे एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक जंगल में दो बादशाह शेर नहीं हो सकते, इसी तरह याद रखेगा कि आपको एक लाइन में दो इक्वल साइन नहीं बनाने, कभी नहीं बनाने। और मैथमेटिक्स में हर स्टेप एक लाइन के बाद एक लाइन के गैप के बाद होता, ये भी याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर लिखने का मार्जिन होता है उससे तकरीबन एक इंच के बाद आपने ये काम करना होता है, कैलकुलेशंस करना होती है। कैलकुलेशंस सेंट्रलाइज करके की जाती हैं। अब आपने कंपेयर करना है, ये हेडिंग नहीं है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट या वी कैन राइट। गौर कीजिए इक्वेशन वन की राइट साइड और इक्वेशन टू की राइट साइड दोनों सेम हैं। जब राइट साइड्स दो इक्वेशंस की सेम होती हैं तो हम उनकी लेफ्ट साइड्स को भी इक्वल मान लेते हैं। इस तरह आपका ए यूनियन बी बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए मैट्रिक डिफरेंस बी, ये आपने साबित कर दिया। आपने अपना काम चेक करना है बेटा, मैथ्स करना कमाल नहीं है, याद रखिएगा। लिबास पहनना कमाल नहीं है, लिबास को सलीके से पहनना कमाल है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज को सलीके से पढ़ना कमाल है। मैथमेटिक्स को सही प्रेजेंटेशन के साथ लिखना,
ओ सॉरी, यहाँ पर 20 मैट्रिक डिफरेंस ए लिखा है, शायद आप ये कहना चाह रहे हो, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ गलती कर दी है। 20 मैट्रिक डिफरेंस ए अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर बी की वैल्यू लिखेगा 2, 4, 6, 8, और यहाँ पर ए की वैल्यूज लिखेगा। शाबाश, थैंक यू बेटा, भुलक्कड़ होना। 1, 2, 3, 4। अब यहाँ उसी तरह से 2 और 4 दोनों में कॉमन है, उसको निकाल दीजिए, तो आपके पास ये 20 मैट्रिक डिफरेंस ए होना चाहिए। लिहाजा आखिर में आपके पास 20 मैट्रिक डिफरेंस ए है। इस टोके बच्चों, 2016 में भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2। ए दिया है 1, 2, 3, 4, बी दिया है 2, 4, 6, 8, और कहता है प्रूव दैट। आपको याद है कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सेकंड फार्मूला। प्रूफ, स्टाइल आपका वही है। मैं बार बार आपको हर क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, आप जानते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। और ये भी याद रखिएगा, अपनी अपने काम को चेक करके उसकी गलतियां निकालने से आप ज्यादा सीखते हो। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक ही स्टेप है और वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो आपने ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के लिए ए और बी की वैल्यूज लिखनी है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब तो आप जानते हैं, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को आप सेट में नहीं लिखते। ये आपकी लेफ्ट साइड का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके बाद आपने सेंट्रलाइज करके सॉल्यूशन ऑफ राइट हैंड साइड की हेडिंग डालनी है। यकीनन आपने काम किया है, डाली होगी, और इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, क्योंकि आप जानते हैं इसको सॉल्व करने के 3 स्टेप हैं। एक है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो ए माइनस बी के लिए ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, और याद रखिएगा डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में फर्क होता है। डिफरेंस में आप फर्स्ट सेट की कॉमन वैल्यूज को छोड़ के पहले सेट की वो वैल्यूज जो कॉमन नहीं होती वो लिखते हो, जैसे ये दूसरे सेट में है, ये दूसरे सेट में है, और ये टोटली नहीं लिखते, तो आपका सी हुआ 1, 3। स्टेप 2, अब हेडिंग हो गई डिफरेंस ऑफ बी एंड ए, चेक कीजिएगा। तो बी माइनस ए करने के लिए बी की वैल्यू लिखिएगा माइनस ए, तो आपका सेकंड सेट से लेना देना नहीं है। फर्स्ट सेट में जो कॉमन है ये भी निकल गए, ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, तो आपके पास यहां पर बचा 6, 8। स्टेप 3, अब आपने करना है यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो बेटा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जब मैं कर रहा हूं तो गौर कीजिए, मेरा इक्वल का साइन उधर चला गया। काश मैं इस स्टेप को थोड़ा सा आगे करता, बी माइनस से यहां शुरू करता, इसको भी थोड़ा सा आगे करता, तो मेरे इक्वल के नीचे इक्वल का ये प्रॉब्लम ना आता। तो आपके पास ए माइनस बी है 1, 3 यूनियन बी माइनस ए है 6, 8। आपने इनका यूनियन कर लिया 1, 3, 6, 8। ये आपका राइट हैंड साइड का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसको अहम समझते हुए आप बॉक्स में कर लीजिए रेक्टेंगल।
अब कंपेयर कीजिएगा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, तो यहां स्टेटमेंट आएगी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, गौर कीजिए दोनों की राइट साइड्स इक्वल हैं, इसलिए दोनों की लेफ्ट साइड्स को भी हम इक्वल कहेंगे। ये आपके पास साबित हो गया। बेटा आपको बड़े जब्त के साथ सोल्व करना है इसे। कोई दो बाइनरी रिलेशंस आपको लिखने हैं। बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। बाइनरी रिलेशंस यहां हेडिंग डालेंगे टू बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी। बराबर है ए क्रॉस बी नहीं लिखना नीचे, तो आप दो बाइनरी रिलेशन लिख लो, ए एक्स लिख लो, ए एक्स लिख दो, ए वाई लिख दो, या ए एक्स लिख दो और बी ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई सी एक्स सी वाई। आपने कोई दो बाइनरी रिलेशन लिखने हैं, आपका जो दिल चाहता है आप ए वाई लिख दो, बस ये दो बाइनरी रिलेशन लिख, बस कुछ नहीं काम करने के लिए, कुछ नहीं। इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना कमाल नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जामिनर से नंबर लेना कमाल है। क्या आप ये कर सकते हो? डी मॉर्गन्स लॉ है जिसका आपने प्रूफ करना है। मैंने आपको मॉडल क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आप उनको बिल्कुल डेटो सामने रखते हुए ये करेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इसके तीन स्टेप्स होंगे, तीन सब हेडिंग होंगी। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इसके दो स्टेप्स होंगे, दो सब हेडिंग्स होंगी। ये आपका होमवर्क है। मैं अब क्वेश्चन आपको यहां पर दे रहा हूं, हो सकता है किसी के पास 10 ईयर पेपर ना हो और वो शर्म की वजह से ना बता पा रहा हो। देखिए 2013 में क्वेश्चन टू ही आया था, आपको इसी तरह सेट्स दिए थे और कहा था फाइंड कीजिए ए माइनस बी क्रॉस, सॉरी यहां सेट सी भी दिया हुआ है, 2, 3, 6, 8 फाइंड करना है ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, ये आपको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं इसके दो स्टेप्स होंगे, बिल्कुल भी सॉल्यूशन आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की मेन हेडिंग नहीं डालेंगे, ये प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना है। इसके तीन स्टेप होंगे, स्टेप वन होगा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, स्टेप टू होगा डिफरेंस ऑफ बी एंड सी, और स्टेप थ्री होगा प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। 2012 में डी मॉर्गन्स लॉ आया था 2014 की तरह, और उसने दिया था क्वेश्चन टू में यूनिवर्सल इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10। ए इवन नंबर्स का सेट बना बनाया दे दिया और बी 3 के मल्टीपल्स का including 10 as an element दे दिया है। कहता है प्रूव दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मैं डैश कहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से करना है, लेकिन आपको पता है कि इसके सोल्यूशन आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए दो स्टेप हैं और सोल्यूशन आप राइट हैंड साइड के लिए तीन स्टेप। इसके बाद आइए 2011 में क्वेश्चन नंबर टू ही हमेशा आ रही है, हो सकता है ये रिपीट हुआ हो। शो दैट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। देखिए बिल्कुल 2019 में गालबन यही क्वेश्चन आया था, लेकिन यहां पर उसने लेफ्ट साइड और राइट साइड बदल दी, ओरिएंटेशन चेंज की और कुछ नहीं हुआ। 2010 में इसी तरह आपको दो सेट्स दिए हैं और कहते हैं फाइंड कीजिए, फाइंड करना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो बेटा याद रखिएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करने के लिए आप फार्मूला मेथड अडॉप्ट करेंगे, पहले फार्मूले का हवाला देंगे
फिर यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड करेंगे, फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट फाइंड करेंगे, और फिर आप जानते हैं कि आप दोनों को क्या करना है, माइनस कर लेना है, फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट मेथड से अगर करेंगे तो आधे नंबर आएंगे। 2009 में क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट आया था कि अगर यूनिवर्सल सेट हो तो जाहिर है नेचुरल नंबर्स 1 से 10 तक लेने हैं, और ए हो बी हो तो प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आपने ये साबित करना है, ये डी मॉर्गन का। तो बेटा ये आपका जायजा था 10 ईयर पेपर्स का। मुझे आप बताइए पढ़ने के लिए किताब की जरूरत है या दिमाग की? लेकिन पढ़ने के लिए आपको माइल कौन करता है? दिमाग नहीं, दिल। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं दिल से पढ़ाता हूं, किताब से नहीं पढ़ाता, लेकिन किताब से भी हम पढ़ते हैं। मैंने ये साबित करने की कोशिश की है कि ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर देन फिजिकल क्लासेस, लेकिन शर्त यह कि बच्चा रेस्पॉन्सिबल हो। ऑनलाइन क्लासेस की कुछ खराबियां हैं, आपका टेस्ट सिस्टम वैसा नहीं हो सकता, आपको फिजिकली हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी, मैं अब आदी हो गया हूं, मैं आपकी फिजिकल क्लासेस जब लूंगा तो इंशाल्लाह रिवीजन में ऑनलाइन क्लासेस पर करूंगा। अच्छा, फिजिकल क्लासेस में आप मुझसे नजरें नहीं मिलाते अगर आप गिल्टी होते हो तो, अगर आप कोताही करते हो, कोई भी कोताही करता है बच्चा तो आप जानते हो गिल्टी होता है, और गिल्टी होता है तो वो नजरें नहीं मिला पाता, उसमें कॉन्फिडेंस सबसे पहले। तो आप याद रखिएगा, गिल्टी होना जो है वो अच्छी बात है, लेकिन गिल्टी होने की रीजंस को तलाश कीजिए, क्योंकि गिल्टी होना तो पॉइजन है, जहर है, और ये जहर किसको मारता है? शाबाश, ये जहर किसको मारता है? आपने होमवर्क नहीं किया, आपकी आदतें सही नहीं है, टाइम मैनेज करना आपको नहीं आता, आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने इंपॉर्टेंस एंटरटेनमेंट को दी, सोने को दी, टीवी को दी, फैमिली के साथ चीट किया, और आपने काम नहीं किया और दिल से काम नहीं किया, तो नेक्स्ट डे आप टीचर का सामना नहीं कर पाते, और होता क्या है, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस जाता है। और याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस बंदे का गया तो बंदा गया। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में फर्क होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग जो हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग वो होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, और ऑर्डिनरी वो लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बेवकूफियां करते, ऐसे लोगों को फ्राडिया कहते हैं। हाँ तो बेटा, 10 ईयर पेपर में मैंने आपको होमवर्क दिया था, मुझे यकीन है कि आपने कर लिया होगा। देखो बेटा, एक चीज याद रखो कि आपकी प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स जो है वो बड़ी ही काउंट करती है। आपके मैथमेटिक्स में स्टेप्स और उनकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसे हैं जैसे आपका लिबास है। अगर आपने लिबास कीमती पहना हो लेकिन सलीके से ना पहना हो तो याद रखिएगा, ये भी आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। 2010 का क्वेश्चन 2 है, इफ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, शो दैट। तो आपने ये साबित करना है, देखिए बेटा आपका एक स्पेशल स्टाइल है सॉल्व करने का। आपने यहां प्रूफ की हेडिंग डालनी है, मेन हेडिंग होगी सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पेज के सेंटर में। अब ज़हन में रखिएगा, ये आपको सॉल्व करना है, साबित करना है, प्रूफ देना है इसका। तो आपके यहां लेफ्ट हैंड साइड के काउंट करने हैं कितने स्टेप्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, तीन स्टेप्स हैं। तो स्टेप 1 आपके पास क्या होना चाहिए, सब हेडिंग डालिएगा यूनियन ऑफ ए एंड बी। तो ए यूनियन बी में ए की वैल्यू रख दीजिएगा, यूनियन का साइन बनाएगा, और बी की वैल्यू रख दें। अगर आपने दरमियान में इस इक्वल के बाद कोई इक्वल डाला, गौर से देखिएगा, कई बच्चे देखकर भी करेक्शन नहीं कर सकते। आपको इतना सिंपल नहीं होना, अगर आपने आगे चल के इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको क्विक होना है, क्विक।
आपकी स्पून फीडिंग बाद में नहीं होगी, आपने यूनियन का मतलब है इनके तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में कंबाइन कर देना है, इस तरह कंबाइन करना है कि कोई रिपीट ना हो। 1 2 3 4 इससे ले लिया, 2 4 नहीं ले सकते, 6 8 ले लिया, जो रिपीट हो रहे हैं वो आपने नहीं लेने सेकंड सेट के, तरतीब से लिख दिया। इसके बाद आपने स्टेप 2 किया, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, सॉरी ये 2011 का क्वेश्चन है, मैं 2010 का क्वेश्चन लिख देता हूं, और आपको फाइंड करना है ए डेल्टा बी। तो यहां आपने एक हेडिंग डालनी है फार्मूला की, और ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है। चूंकि हमने प्रूफ नहीं करना, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड की जगह यहां पर सिर्फ सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है, सेंट्रलाइज नहीं करना, और इस फार्मूले को गौर से देखिए। नंबर 1 आपने ये फाइंड करना है, नंबर 2 आपने ये फाइंड करना है, और नंबर 3 आपने इनका डिफरेंस ले लेना है। ये आपके 3 स्टेप्स हैं, एग्जाम में ये नंबरिंग मत कीजिएगा। तो स्टेप 1 इसका हुआ, आपने यूनियन लेना है। यहां पर आपके पास ये 2 नहीं लिखा रहेगा, 1 2 3 4 6 7। इसके बाद आपने स्टेप 2 में इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी करना है, तो ए की वैल्यू लिखिएगा, सॉरी 1 सिर्फ उसका 2 नहीं लेना, 1 2 3 4 उसका ले लेना है, 5 इसका आ गया, 6 भी इसका नहीं लेना, रिपीट हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन का साइन डालना है, और वह है 2 4 6 7। अब आपने इनकी कॉमन वैल्यूज चेक करनी है, एक 2 है और एक 6 है, तो आपने इनकी कॉमन वैल्यूज लिख देनी है 2 6। फाइनल स्टेप क्या है आपके पास, थर्ड स्टेप 3 की बजाय फाइनल स्टेप आपके पास क्या है, डिफरेंस ऑफ ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। और चाहे तो सिमेट्रिक डिफरेंस की नीचे डेफिनेशन लिख सकते हैं, बड़ा इंप्रेसिव होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस की जो डेफिनेशन लिखेंगे वो क्या है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन लिखेगा, सब हेडिंग डालनी पड़ेगी फाइनल स्टेप के नीचे, सिमेट्रिक डिफरेंस लिखेगा, द डिफरेंस ऑफ द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज ऑलवेज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स। इसको सेकंड फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। तो बेटा आपने अगर सिमेट्रिक डिफरेंस फार्मूला मेथड से करना है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी माइनस, तो आपने ये निकाल देना है और ये निकाल देना है एलिमेंट, आपके पास फाइनल हो गए 1 3 4 5 7। इस तरह ये आपके पास ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आ गया। अगर आप सेकंड फार्मूला से करना चाहें तो मैंने आपको लिखवा रखा है, सेकंड फार्मूला से आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।